नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बलिया, 130 की जगह 65 फुट बोरिंग कर लगा दिया हैंडपंप। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में ये इंडिया मार्का हैंडपंप गर्मी में पीने के लिए पानी नगर पालिका के द्वारा वार्ड नंबर 2 बनकटा मवेशी अस्पताल निकट हनुमान जी मंदिर के बगल में लगी है, जो कुछ दलाल ठेकेदार द्वारा पैसे के बंटवारे कर ये हैंडपंप लगाया गया है। जो ये पानी इस कोरोना वायरस महामारी काल में पीने योग्य नहीं है, जिसकी शिकायत मेरे द्वारा अध्यक्ष श्री अजय कुमार, समाज सेवी अधिशासी अधिकारी श्री दिनेश विश्वकर्मा व सभासद प्रतिनिधि श्री बबलू गोंड से की गई, परंतु अभी तक योगी सरकार में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सोनू गुप्ता वकील ने बताया कि नगर पालिका में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। फीट की लगी हुई है, 70 फीट बोरिंग हुई है। आपको यहाँ पे किसने भेजा है? नगर पालिका से आया है। लेकिन जो इसमें लगा है पहले से, ये सही व्यवस्था लगा है कि गलत है? व्यवस्था गलत है। अच्छा, व्यवस्था गलत लगा है तो आप इसका शिकायत अभी कहीं किए हैं? अधिकारी से जाकर बताएंगे, हम तो चेक करने ही के लिए ही आए हैं। अच्छा, अधिकारी से जाकर बताएंगे। करने में आपको क्या पता चला है, क्या क्या देखे? पता चला है कि 70 फुट बोरिंग हुआ है, इसके ऊपर से जाली डाला गया है। आपके हिसाब से कितना फिट होना चाहिए बोरिंग? 120 फीट होनी चाहिए। अब जाली कितना का लगना चाहिए? जाली 40 फीट लगता है। जाली लगा है सर, लेकिन मतलब आपका कहने का मतलब है कि ये जो कल बना है ये पूरा गलत बनाया गया है? हाँ। इस पर आप लोग जाके नगर पालिका में शिकायत करना है, अधिकारी से बता देंगे हम। ठीक है सर। नल लगा हुआ उसको वैसे ईटा से डर के मार के पूछे हुए हैं। कौन लोग हैं? ठेकेदार लोग, नगर पालिका के ठेकेदार के आदमी हैं। आप क्या कहते हैं? मैं चाहता हूँ कि 2500 वार्डों में जो इंडिया मार्का हैंडपम्प इस कोरोना महामारी के और भीषण गर्मी की वजह से लगा हुआ, उसका सभी हैंडपम्पों का जांच हो और ठेकेदारों के विरुद्ध सख्त सख्त कार्रवाई हो। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपडेट सबसे पहले आपको मिल पाए।